हाई गाइज, वेलकम टू माई चैनल। दिस इज प्रियाश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है वो होने वाली है हेयर ऑयल के रिगार्डिंग। एंड आप में से ढेरों लोगों की क्वेरीज आती रहती है मुझे कि कोई अच्छा सा हेयर ऑयल बताइए जिससे हमारे जो बाल है वो हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो, बालों के झड़ने की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाए। एंड मैंने देखा है कि 2020 एंड 2021 के अंदर कोई चीज़ें कम हुई हो या नहीं हो, बट आपके हेयर ज़रूर कम हो गए होंगे। और हेयर जो है इट्स अ लाइक अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एज अ सब्जेक्टिव टॉपिक, बिकॉज किसी लोगों के बाल बिल्कुल नहीं झड़ते और बाकी लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। एंड ऐसा होता है कि अगर आप बालों की केयर बिल्कुल भी ना करो तो आप एज अ इंडियन, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि आप जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रोग्रेसिव हो जाती है, तब जाके आपको ध्यान आता है कि अच्छा ठीक है, सच में मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और मुझे अब ध्यान देना चाहिए। सो बाल झड़ने टाइम आप डेफिनेटली ऑयल यूज़ कर सकते हो। एंड ऑयल जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो डेफिनेटली आप देखें कि आप क्या पुट ऑन कर रहे हो आप अपने स्कैल्प के ऊपर, ताकि आपको रिजल्ट देखने को मिले। बिकॉज समटाइम मैंने देखा है कि एज अ इन्फ्लुएंस होकर हम लोग चीज़ें खरीद लेते हैं, बट उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं होते, वो अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं बनाए हुए होते हैं, तो वो असर करने की बजाय बेअसर होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई प्रोडक्ट असर नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर आपका एक रुपये भी वेस्ट है। तो मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज करती हूँ, बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं बालों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बिकॉज मैंने अपने स्कैल्प के अंदर जो है बालनेस वाले जो पैचेस थे उसको भरा है। एंड मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ट्राई किए हैं और सारे जो प्रोडक्ट है वो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं एक अच्छा गाइड कर सकती हूँ आपको कि आपको कौन सा हेयर ऑयल लेना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन सा हेयर ऑयल है एंड पुट ऑन, लाइक मैं अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो आज मैं बात करने वाली हूँ मार्स बाय GHC का हेयर ग्रोथ ऑयल। ऐसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, दिस इज अ हेयर ग्रोथ ऑयल, यानी आपके स्कैल्प को रिजुविनेट करके जो ये आपके बालों को नया बनाएगा। लुक एट द पैकेजिंग फर्स्ट एंड द प्राइस, एंड इसके बारे में बात करेंगे इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या डाले हुए हैं। सो इट कम्स विद अ वेरी नाइस कार्डबोर्ड पैकेजिंग, एज यू गाइस कैन सी इट्स अ वेरी नाइस ऑरेंजेस एंड व्हाइट कलर पैकेजिंग। द कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस। ऑल द इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग डेट टू द एक्सपायर डेट, सारी चीजें आपको इसके ऊपर मिलेंगी। एंड द प्राइस इन द पैकेजिंग एवरीथिंग, द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 799 रुपीज, एंड द क्वांटिटी दैट यू विल गेट इज अ 200 ml, 100% नेचुरल एंड नो मिनरल ऑयल ये जो है ऑयल है। इसके अंदर किसी भी तरीके का मिनरल ऑयल नहीं डाला गया है। इट्स एंटी डैंड्रफ, स्टॉप हेयर फॉल्स, प्रमोट योर हेयर ग्रोथ, ऑल्सो इट्स अ यूनिक एसेंशियल ब्लेंड ऑयल है ये। तो इसके अंदर डेफिनेटली आप ध्यान में रखिएगा कि एसेंशियल ऑयल का जो है ब्लेंड भी डाला गया है। इनके जो क्लेम्स है दैट्स अ हेल्दियर, फुलर्स एंड स्ट्रॉन्गर आपके हेयर को ये बनाएगा। ऑल्सो इट्स अ एंटी डैंड्रफ, तो इट्स अ लाइक सोने पे सुहागा। आप जो ऑयल लगा रहे हो वो एंटी डैंड्रफ भी है, तो आपको अलग से एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंदर से जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। इट्स अ वेरी नाइस यू नो विदाउट सी थ्रू, आई मीन इसके अंदर आप देख नहीं पाओगे कि क्या है अंदर, कितना ऑयल बचा है, बट लाइक फॉर द वेट यू नो दैट कि कितना बचा है। वेरी नाइस थिंग कि इनकी पैकेजिंग, इट्स अ वेरी नाइस पंप पैकेजिंग, एप्लीकेशन इज वेरी नाइस बिकॉज जो है स्पिल नहीं होता है इसे प्रोडक्ट। इट्स अ वेरी नाइस टाइटली पैक किया हुआ है। बट द बेस्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड, जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको इसकी आउटर पैकेजिंग पर मिलेंगे यू विल सी इन देयर इनर पैकेजिंग एज वेल। जो भी चीजें लिखी हुई हैं इनके आउटर पैकेजिंग पे वो आपको जो है इनकी इनर पैकेजिंग के ऊपर भी मिलेगी। ऑल्सो दिस हेयर ऑयल्स इज अ ब्लेंड विद यूनिक एसेंशियल ऑयल, ऑल्सो इट हैज अनियन ऑयल। एंड अनियन ऑयल आप लोगों को पता है, मार्केट के अंदर आपने देखा होगा अनियन शैम्पू, अनियन ये वो, अनियन पीस के लगा लो बहुत सारे, बिकॉज अनियन हैज अ सल्फर, और सल्फर जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। डेफिनेटली इट्स अ प्रूवन फार्मूला कि अनियन आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बट वी डोंट नो अबाउट द क्वांटिटीज एंड एवरीथिंग। सो डर्मेटोलॉजिक जो लोग डर्मैट जो होते हैं वो डेफिनेटली दे नो कितना अनियन ऑयल एंड कितना जो है अनियन का जो क्वांटिटी है वो पुट ऑन करना है किसी भी चीज़ के अंदर। एंड एज आई पर्सनली फील, अकेला अनियन कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, इट हैज़ जस्ट अ सल्फर, देन अदर चीज़ भी आपको लगेंगी फॉर द हेयर ग्रोथ। ऑल्सो इट हैज़ अ भृंगराज ऑयल, सो यू गाइज नो भृंगराज हमारे नेचर के अंदर कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। साउथ के अंदर बहुत होता है, इवन हमारे यहाँ पर राइस के जो खेती होती है उसके अंदर भी भृंगराज बहुत पाया जाता है। इट्स अ वाइट कलर के
रेड येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं विच लुक्स वेरी नाइस वेरी प्रिटी बट एट द सेम टाइम भृंगराज आपके हेयर ग्रोथ को बहुत प्रमोट करता है। इफ यू हैव अ बाल्ड पैचेस इन योर स्कैल्प तो डेफिनेटली भृंगराज आपके लिए एक अमृत के जैसा है कि स्कैल्प के ऊपर अमृत गया और वहां से बाल निकला है। सो दैट्स हाउ भृंगराज वर्क्स। ऑल्सो इट हैज अ टी ट्री ऑयल एंड टी ट्री इज एंटीसेप्टिक ऑयल एज यू गाइज नो। इफ यूर फंगल इन्फेक्शन योर स्कैल्प डेंड्रफ प्रॉब्लम और इफ यू हैव ईच स्कैल्प और एनीथिंग लाइक दैट डेफिनेटली टी ट्री ऑयल इज अ वेरी सूदिंग कामिंग एंड ऑल्सो एंटीसेप्टिक ऑयल। सो ये सब चीजों को एज अ टी ट्री डेफिनेटली जो है हील करता है। इट ऑल्सो हैज अ भ्रामी भ्रामी इज ऑल्सो नोन फॉर द कंडीशंस कंडीशनिंग करता है आपके हेयर की एंड डेफिनेटली स्प्लिट एंड्स एंड जो हेयर के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। भ्रामी भ्रामी इज वेरी वेरी नाइस बाय द वे। जब आप नेचुरल शैम्पू भी घर में बनाते हो देन ऑल्सो गाइज यूज भ्रामी तो भ्रामी बहुत ही अच्छा जो है कंडीशनिंग भी करता है आपके हेयर की। ऑल्सो इट हैज अ जोजोबा ऑयल ऑल्सो यू कैन कॉल इट ओबा ऑयल ओबा ऑयल वट एवर। सो ये जो है आपके बालों को नरिशमेंट देता है मैनेजेबल बनाता है शाइन आपके बालों के अंदर लेके आता है। बेजान अगर आपके बाल लग रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर शाइन ग्रोथ एंड उसके अंदर जो है एक ग्लॉसीनेस लेके आएगा। जोजोबा ऑयल बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो डेफिनेटली दीज आर द इंग्रेडिएंट कैसे आप इसको यूज कर सकती हो। यू जस्ट 2 घंटे के लिए आपको इसको यूज करना है। मैं एज इस 2 घंटे के लिए यूज करती हूँ। फिंगर टिप्स के आपके ऊपर हेयर ऑयल को लेना है देन अच्छे से मसाज करते हुए 10-15 मिनट्स आप मसाज कर सकते हो एंड आप अपने अपर स्कैल्प को अच्छे से मसाज कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन आप अपने हाथों से ही दोगे या फिर कॉम की सहायता से दोगे। आप च्यू करते हो तो आपको जो साइड पार्टिंग है वहां पर जो है डेफिनेटली जो है ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है बट द अपर पार्ट जहां से ही बाल जाते हैं वहां पर कोई भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। सो आप 10-15 मिनट आराम से अपने हाथों से मसाज करते हुए अपने बालों के अंदर तेल को रमाइए 2 घंटे के लिए छोड़िए एंड देन वॉश इट ऑफ। इतने में ये बहुत अच्छा काम करेगा एंड इफ यू विश देन यू विल टेक इट लाइक फॉर द नाइट एज वेल। आप पूरी रात इसको लगा सकते हो डेफिनेटली तब भी ये बहुत अच्छा काम करेगा एंड इसका जो क्लेम है इट प्रमोट योर हेयर ग्रोथ आपके हेयर को लंबा करेगा इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड सर्कुलेशन एंड डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन अगर आप हाथ से किसी चीज को मसाज दे रहे हो तो आपको कोई लिक्विड चाहिए होगा वहां पे अदरवाइज आप अपने स्कैल्प को इरिटेट कर लोगे। सो द ऑयल इज अ ल्यूब्रिकेंट एज सच एंड देन आप उससे मसाज देते हो तब जो है आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। ऑल्सो इट नरिशेज योर हेयर फॉलिकल्स तो डेफिनेटली आपके जो बाल है वो नरिशमेंट में जाएंगे हेयर फॉलिकल्स नरिश होंगे तो वो स्टिमुलेट होंगे एंड स्टिमुलेट होंगे तो वहां से हेयर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये सारी चीजें जो है मार्स बाय जीएचसी का हेयर ग्रोथ ऑयल करता है। जो लोग भी परेशान हैं उनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं झड़ बहुत ज्यादा रहे हैं बाल पैचेस दिख रहे हैं और वो बहुत सारी चीजें यूज कर चुके हैं तो डेफिनेटली ट्राई वंस द मार्स बाय जीएचसी। इनके बहुत अच्छे डरमैट हैं जो बैठते हैं डेफिनेटली आप उनको कॉल पर भी अपनी क्वेरीज बता सकते हो। इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी टू लुक एट आउट और इनकी वेबसाइट के ऊपर इनके डरमैट्स के भी जो है क्वेरीज आप अपने डाल सकते हो डेफिनेटली वहां से भी इनका रिवर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद। बाय बाय।